क्या आपको भी लगता है कि मछली नहीं सोती है? तो इसका सीधा सा जवाब है, मछली सोती है। साइंस कहती है कि मछली भी सोती है, क्योंकि मछली को आईलिड नहीं होती, यानी उनकी पलक नहीं होती, जिस कारण वे अपनी आंखें मूंद नहीं सकती, परंतु उनकी आयरिस होती है और वो लाइट को कंट्रोल करने के लिए सिकुड़ और फैल सकती है। मछली को जब भी नींद आती है तो वे बॉटम में चले जाती है और हल्का सा मूवमेंट करती है ताकि वे सांस ले सके और पानी में भी तैर सके। इस दौरान अगर आप उसे फिड्स देते हैं तो वे कोई रिएक्शन नहीं देगा, और अगर आप लाइट ऑन करते हैं तो वे काफ़ी देर के बाद ही कुछ रिस्पॉन्ड देगा। इसका मतलब है कि मछली भी सोती है और ये साइंस ने भी प्रूव किया है। ऐसा मिसकंसेप्शन है कि मछली नहीं सोती है, लोगों द्वारा एक फैलाया गया अफवाह है कि मछली सारी उम्र जागी हुई रहती है, परंतु साथियों ये हकीकत नहीं है, ये एक्चुअल में फैक्ट नहीं है, रियल फैक्ट नहीं है, बल्कि मछली भी अदर एनिमल की तरह सोती है। बस उनका तरीका यह है कि वे ओपन आई में सोती है, क्योंकि उन्हें आईलिड नहीं होती। एक प्रश्न और भी है जो अधिकांश साथियों के मन में हमेशा कौंती रहती है, क्या मछली को कभी प्यास नहीं लगती? क्या मछली कभी पानी नहीं पीती? तो मैं साथियों बता दूं कि मछली को सचमुच में प्यास नहीं लगती है। फ्रेश वाटर फिश जो कभी पानी नहीं पीती, क्योंकि उनके शरीर की जो पानी है वह उनके गिल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी उसके शरीर की जो रिक्वायरमेंट पानी की है वो उनके गिल के द्वारा जो है पूर्ति की जाती है, और ये क्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके कारण उसे पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु ऐसा नहीं है कि सभी मछलियों को पानी की आवश्यकता नहीं होती है या वो पानी नहीं पीती है। मैं आपको बता दूँ कि समुद्री मछली थोड़ी बहुत पानी पीती है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि समुद्र का पानी काफ़ी नमकीन होता है और ऑस्मोसिस के जरिए उनके शरीर का पानी समुद्र में मिलता रहता है। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए उनकी गिल जो है और उनके माउथ के जरिए पानी शरीर के अंदर जाती है, तथा एक्स्ट्रा नमक जो उनके शरीर के अंदर घुल जाती है उसे वो अपने गिल के जरिए बाहर निकाल देती है। इस तरह से जब भी उनके शरीर में पानी कमी होती है वे थोड़े बहुत पानी पीती है। अब प्रश्न एक यह भी है कि क्या मछली पानी को देख सकती है अथवा नहीं? तो मैं साथियों बता दूँ कि मछली पानी को नहीं देख सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली इसी वातावरण में विकसित हुई है और उसे सर्वाइव करने के लिए ही उनके सिस्टम ने ऐसा इवोल्व किया है जिसके कारण वो पानी नहीं दे सकती। इतना ही नहीं, वो ना तो पानी को टेस्ट कर सकती है, ना वो पानी को हेयर कर सकती है, और ना ही वो पानी को देख सकती है, क्योंकि ऐसा उन्हें सर्वाइव करने के लिए या एनवायरमेंट नॉइज को फिल्टर करने के लिए उनका ब्रेन इस तरह से विकसित हुआ है ताकि वो विजन के बाधाओं को दूर कर सके। तो इस कारण उसकी ब्रेन जो है उन सभी चीज़ों को इग्नोर कर देती है जो वो डेली या जो वो नियमित रूप से देखती है। इस कारण मछली पानी को नहीं देख सकती है। एक बहुत ही रोचक प्रश्न है, क्या मछली फार्ट करती है? फार्ट, यह सब सुनकर आप लोगों के मन में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी। तो मैं बता दूं साथियों कि फार्ट कुछ और नहीं है बल्कि एनिमल के द्वारा एक गैस लीकेज है, जो कि एक डेली प्रक्रिया है। तो मछली क्या गैस लीकेज करती है या फार्ट करती है? तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मछली गैस लीकेज करे या फाट करे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे घर बदबू से भर जाती और छोटे से टैंक में तो मछलियों के बीच अफरा तफरी मच जाती। पर शुक्र है ऐसा मछली बिल्कुल नहीं करती और हमारा एक्वेरियम और उसके कम्युनिटी की मछली बिल्कुल सेफ रह जाते हैं। तो साथियों ये मिसकंसेप्शन नहीं रखिए कि मछली भी फाट करती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमेशा हमारे मन में उठती ही रहती है, क्या जिस मछली को हम अपने टैंक में रखते हैं वो क्या हमें पहचान सकती है, या क्या वो ह्यूमन फेस को रिकॉग्नाइज कर सकती है? तो मैं बता दूं कि एक नए स्टडी के अनुसार मछली भी अपने ओनर्स को या एक खास जो व्यक्ति जिससे बराबर मिलते रहते हैं उसे वो पहचान सकती है, या एक फैमिलियर फेस को वो हमेशा रिकॉग्नाइज कर सकती है और बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से कर सकती है। ऐसा देखा गया है कि जब भी हम किसी पेट को फिट करते हैं तो अगर हम नियमित करते हैं तो वो उस इंसान को मछली पहचान लेती है या अध्ययन भी करती है, और ये व्यवहार में भी देखा गया है। मेरे टैंक में भी एक पिकॉक फिश थी जो बिल्कुल ही मुझे पहचानती थी, क्योंकि मैं उसे जब भी दाना देता था तो वो बाहर आती थी और बिल्कुल वैसा बिहेव करती थी जैसे वो मुझे पहचानती हो, जबकि मेरे घर के मेरे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वो ऐसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करती थी।
इतना ही नहीं साथियों, मछली अपने ओनर्स के साथ एक बॉन्ड या डेवलप भी कर लेती है, जिससे उनका रिश्ता काफ़ी गहरा हो जाता है और इस समय के साथ बढ़ता ही जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मछली अपने ओनर्स को या एक खास इंसान को पहचान सकती है। एक बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, क्या मछली भी बोर फील करती है, क्या मछली भी एक खास इन्वायरमेंट से उब जाती है? तो मैं साथियों बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मछली कभी बोर नहीं होती, क्योंकि उनका ब्रेन काफ़ी डेवलप नहीं हुआ है, उनका ब्रेन काफ़ी छोटा होता है। और जहाँ तक बोर्डम की फीलिंग है, तो यह एक इमोशनल स्टेट है जिसमें काफ़ी हाई इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है एक स्टिमुलेशन की आवश्यकता होती है, जो कि एक डेवलप एनिमल या जिसे काफ़ी हाई इंटेलिजेंसी रखती हो उनमें पैदा होती है। चूँकि मछली का जो है नर्वस सिस्टम और उसकी ब्रेन इतनी विकसित नहीं होती है कि वे खास इमोशनल को विकसित करें, इस कारण मछली कभी बोर फील नहीं होती। हाँ, वे स्ट्रेस में आ सकती है अगर उन्हें खास इन्वायरमेंट या उन्हें खास जो है पानी ना दिया जाए, तो वे स्ट्रेस हो सकती है। यहाँ तक कि वे अपने साथियों की कमी में भी स्ट्रेस फील करती है, परंतु वे बोर फील करती है ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। इसी तरह से एक अन्य भी रोचक क्वेश्चन है, जिसमें ये कहा जाता है कि मछली भी अपने ओनर्स के लिए या अपने साथी दोस्तों के लिए क्राई करती है। तो मैं बता दूं कि अध्ययन ने साबित किया है कि मछली कभी भी आंसू से नहीं रोती, क्योंकि उन्हें लैक्रिमल ग्लैंड होता ही नहीं है, और जिसके कारण वो रो नहीं सकती। दूसरी बात है कि मछली का जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो इस लेवल पर डेवलप नहीं हुई है कि वो क्राई कर सके। चूँकि मछली का जो है जो इमोशनल है या जो भी उनकी फीलिंग है वो कंट्रोल होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम से, जो एक नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है, और यह सिस्टम मछली के अंदर काफ़ी लो लेवल पर डेवलप हुई है, जिसके कारण वो फूट फूट कर नहीं रो सकती है। परंतु वैज्ञानिकों ने अध्ययन से या कुछ इस तरह से डिकवर किए हैं, जिसके कारण वे साबित करने में लगे हुए हैं कि मछली भी रोती है, परंतु यह आंसू से नहीं रोती, बल्कि वे तेज़ आवाज़ करके या कि इसी तरह से किसी खास आवाज़ के जरिए भी वे अपने संवेदनाओं को प्रकट करती है। हालांकि रिसर्च जारी है, परंतु अभी तक ये साबित नहीं हो सका है कि मछली भी फूट फूट कर आंसू से रोती है। एक बहुत ही रोचक क्वेश्चन है कि क्या मछली म्यूजिक सुनती है, क्या उनकी म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट होती है? तो गोल्डफिश पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि मछली भी उतनी ही चाव से म्यूजिक की सुनती है जितने कि अन्य एनिमल। यहाँ तक कि मछली एक कंपोजर के दूसरे सॉन्ग्स के बीच में भी अंतर महसूस कर सकती है या अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है। शिनोजुका और उसके साथी हारुका ओनो और सेगुरु वाटानाबे के जो है किए गए अध्ययन और उनके द्वारा प्रकाशित जर्नल से साबित हुआ है कि गोल्डफिश जो है म्यूजिक काफ़ी इंटरेस्ट से सुनती है और अपनी प्रतिक्रिया भी टैंक में अपने रिएक्शन या अलग अलग तरीके के रिएक्शन से प्रकट करती है। इस तरह से हम पाते हैं कि मछली भी म्यूजिक को सुनती है और बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ सुनती है, यहाँ तक कि उनकी समझ म्यूजिक के प्रति काफ़ी होती है, वे अलग अलग सॉन्ग और म्यूजिक को पहचान सकती है और उसमें अंतर भी महसूस कर सकती है। तो ये था मछली से जुड़ी हुई रोचक जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा की। अगले वीडियो में इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं नए नए रोचक वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों आपका धन्यवाद।